Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. आज हम remaining part करने वाले हैं class 10th की book first slide का chapter number 11 the proposal, जो कि the marriage proposal का नाम change करके आपके textbook में दिया गया है. यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि there were three main characters, Lomov, Natalia and Natalia's father, that is Chubukov. तो यहाँ लोमोव इज देयर एट चुबुकोव्स हाउस विद अ प्रपोजल टू गेट मैरिड टू हिज डॉटर नतालिया हु इज 25 इयर्स ओल्ड. बट समहाउ इन स्पाइट ऑफ दैट प्रपोजल वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्टेड विद एन आर्ग्यूमेंट. ऑक्सर मेडोज नाम की जमीन के ऊपर उन लोगों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है. और जो शुरुआत में एक दूसरे को बड़ी रेस्पेक्ट देकर अभी वो लोग बात कर रहे थे, वो सब आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है. अब वो रेस्पेक्ट, वो काइंडनेस, वो सब कुछ भूल जाते हैं. और अब लोमोव उनको बता रहा है, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नतालिया स्टेपनोवा, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ नतालिया स्टेपनोवा. फिर नतालिया कहती है, नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी, व्हाट अ सरप्राइज, कि नहीं तुम या तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो या कोई जोक कर रहे हो. वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 इयर्स, ये जो लैंड है हमारे पास लगभग 300 साल से है. And then we are suddenly told that it isn't ours. और तभी अचानक से हमें बोला जाता है कि ये हमारी नहीं है. Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. और इवान, मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 decedents and are worth perhaps 300 rubles. But I can't stand unfairness. अब वो कहती है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पर कि तुम ये बात कर रहे हो. और इन मेडोज की ज्यादा कीमत नहीं है मेरी नजरों में. क्या होगा, सिर्फ 5 डेसेंट्स के होंगे ये या फिर 300 रूबल्स के होंगे, ये करेंसी है इनकी. और बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना अनफेयर क्यों कर रहे हो. मैं अनफेयर चीज के अगेंस्ट खड़ी हूँ. से व्हाट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, बताओ तुम क्या कहोगे, मुझे तो ये अनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है. लोमोव कहता है, हियर मी आउट, आई इम्प्लोर यू, कि मैं आई बेग यू, या इम्प्लोर करने का मतलब है बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट बैगिंग के तौर पे की जाती है कि प्लीज तुम मुझे सुनो. द पेजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, यूज्ड टू बेक ब्रिक्स फॉर माय आंट्स ग्रैंडमदर. नाउ माय आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट. अब उस वो फिर वही कहानी लेकर शुरू हो जाता है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके फादर के ग्रैंडफादर के जो पेजेंट्स थे वो मेरी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ब्रिक्स बेक किया करते थे. और जब मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने विश किया तब, अब यहाँ पर फिर एक डॉटर डॉटर, इट मींस नतालिया ने अगेन इंटरप्टेड इन बिटवीन, आई कैंट मेक हेड और टेल्स ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, द मेडोज आर आर्ट्स, दैट्स ऑल. नतालिया कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुम्हारी बातों का कुछ सर पैर नहीं पता चल रहा है. कभी तुम आंट्स की बात, कभी ग्रैंड फादर, कभी ग्रैंड मदर्स की कर रहे हो. मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेडोज हमारे हैं. Then Lomov said, mine, ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets. But I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours. And I don't want to give anything of mine. So there. तो कहती है, हमारे हैं वो. चाहे तुम 2 दिन तक चिल्लाते रहोगे ना कि तुम्हारे हैं तुम्हारे हैं, और चाहे कितने अच्छे कपड़े पहनकर आ जाओ, जैसे कि तुमने आज पहने हुए हैं, ऐसे ड्रेस जैकेट्स पहनकर आ जाओ, तब भी मैं यही कहूंगी कि वो हमारे हैं हमारे हमारे. मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपना भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ. नतालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मेडोज, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. इफ यू लाइक, आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम. फिर लोमोव कहता है कि नतालिया, मुझे वो मेडोज नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ सिद्धांतों की सच्चाई की बात कर रहा हूँ. अगर तुम्हें वो अच्छे लगते हैं तो मैं उनका प्रेजेंट बना के तुम्हें एज अ गिफ्ट दे दूंगा. नतालिया कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ माई देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. फिर वो कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं उसका प्रेजेंट बना के तुम्हें खुद दे देती हूँ क्योंकि वो मेरे हैं. योर बिहेवियर इवान वैसलेविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट, कि तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल अजीब है, क्या कहा जाए. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine.
although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies. अब वो कहती है कि इससे पहले मुझे लगता था कि हम अच्छे नेबर्स हैं, हम अच्छे दोस्त हैं. लास्ट ईयर तुम्हें याद होगा कि हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन भी तुम्हें दी थी. थ्रेशिंग मीन्स वो काटने के लिए, जो थ्रेश करने के लिए मशीन होती है, और उसकी वजह से हमने अपना काम पोस्टपोन कर दिया था टिल नवंबर कि कोई बात नहीं, चलो आप पड़ोसी हो तो आपकी मदद पहले कर दें. लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हैं. जिप्सीज से यहाँ मतलब है कि हम नोमेड्स टाइप पीपल है जिनका कोई घर बार नहीं है. Giving me my land, indeed. और देखो मेरी जमीन मुझे दे रहे हो. No really, that's not at all neighborly. ये बिल्कुल भी पड़ोसियों जैसा व्यवहार नहीं है. In my opinion, it's even impudent if you want to know. और अगर तुम जानना चाहते हो तो मेरी नजर में ये बहुत ज्यादा disrespectful है. Impudent means disrespectful. अब Lomov कहता है, then you make out that I am a land grabber, madam. Never in my life have I grabbed anybody else's land. And I shan't allow anybody to accuse me of having done so. और फिर वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, आप मुझे लैंड ग्रैबर कह रही हैं, जमीन हड़पने वाला कह रही हैं? मैडम मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी की लैंड को ग्रैब नहीं किया, नहीं हड़पा, ना ही मैं अपनी लैंड किसी और को हड़पने दूंगा. और तुम मुझे उस पर मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो उस चीज का. Quickly steps to the carafe and drinks more water. Oxen meadows are mine. और फिर वो कैरफ की तरफ जाता है. कैरफ क्या होता है? It's an open topped glass flask used for serving wine or water in a restaurant. कैरफ की तरफ जाता है, थोड़ा पानी पीता है, फिर बोलता है, चिल्लाता है, Oxen meadows मेरे हैं. It's not true. They are ours. नहीं ये सच नहीं है, वो हमारे हैं, नतालिया कहती है. फिर Lomov कहता है नहीं हमारे हैं. अब ये देख सकते हैं पिक्चर में इन दोनों में ये बहस हो रही है, हमारे हैं हमारे हैं. Then Natalia says, it's not true. I will prove it. ये सच नहीं है, मैं इस बात प्रूव कर दूंगी. I will send my mowers out to the meadows this very day. मैं आज ही अपने mowers को meadows पर भेजूंगी. Lomov कहता क्या? My mowers will be there this very day. आज के आज ही मेरे mowers वहां जाएंगे और सारे mowers को mowing कर आ जाएंगे. I will get it to them in net. वो कहता अच्छा ऐसे ही आ जाएंगे, मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा. Natalia, you dare. तुम हिम्मत करके देखना. अब Lomov clutches at his heart. Oxen meadows are mine. You understand mine. Lomov अपने दिल को पकड़ता हाथ पर हाथ रखता है और कहता है वो Oxen meadows मेरे हैं. समझी तुम? मेरे. Please don't shout. You can shout your horrors in your own house. But here I must ask you to restrain yourself. वो कहती है कि तुम चिल्लाओ मत यहाँ पर. और तुम ये गला फाड़ कर चिल्लाना चाहते हो तो तुम अपने घर पर जाकर जोर जोर से चिल्ला सकते हो, लेकिन ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने नहीं दूंगी. Lomov, if it wasn't, madam, for this awful, excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in different way. Yes, those are mine. आप यहाँ पर अभी भी उनकी जो लड़ाई है उसके अंदर प्रपोजल कहीं नहीं आया है. अभी तक वो एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं. और वहां पर Lomov कहता है कि ऐसा नहीं है मैडम, अगर ऐसा ना हुआ तो ये बड़ा ही स्ट्रेंज है कि. और अब एक्सक्रूशिएटिंग मींस इट्स इंटेंस पेनफुल. वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पालपिटेशंस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर सब कुछ अपसेट है. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे किसी और ही तरीके से बात करता. और अब वो जोर से चिल्लाता है और कहता है Oxen meadows mine. और फिर Natalia भी उसको चिल्ला के कहती है अर्स माइन अर्स. इन दोनों में ये बहस चलती रहती है. इतने में ही चुबुको मींस फादर ऑफ Natalia एंटर्ड. चुबुको कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, क्या बात है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? Natalia कहती है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स Oxen meadows वी और ही. कि पापा प्लीज इस जेंटलमैन को बताओ कि वो Oxen meadows किसके हैं, वो इसके हैं या हमारे हैं. Chubukov to Lomov, darling, the meadows are ours. कहते प्यारे वो meadows तो हमारे हैं. फिर Lomov कहता but please Stephen Stepanovich, how can they be yours? लेकिन सुनिए वो आपके कैसे हो सकते हैं? Do be a reasonable man. थोड़ी तो समझदारी की बात करो आप. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. And the peasants used the land for 40 years.
and got accustomed to it as if it was their own. Well, it happened that अब दोबारा से लोमो वही कहानी बताने लगा लगता है जो वो इतनी देर से नतालिया को बता रहा था कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने वो मेडोज टेम्पररी तौर पर यूज करने के लिए फ्री यूज के लिए आपके ग्रैंडफादर के पेजेंट्स को दिए थे और वो पेजेंट्स उसको 40 साल तक यूज करते रहे और उसको यूज करने के इतने आदि हो गए कि उन्हें लगा कि ये उन्हीं की जमीन है। जब ऐसा हुआ कि अब अगेन ये डॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लोमोव ने जो स्टेटमेंट देना चाह रहा था आगे की अगेन चुबुकोव इंटरप्टेड हिम। अब चुबुकोव कहता है एक्सक्यूज मी माय प्रीशियस यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पेजेंट्स डिड नॉट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अवर्स। कहता है मैं माफी चाहूंगा मेरे प्यारे तुम भूल गए हो कि पेजेंट्स ने कभी भी तुम्हारी ग्रैंडमदर को कुछ भी पे नहीं किया क्योंकि वो मेडोज जो थे वो डिस्प्यूट पे थे उन पर झगड़ा चल रहा था और अब हर किसी को ये पता है कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान इसका मतलब तुमने वो प्लान यानी वो जमीन से रिलेटेड कागजात देखे ही नहीं। आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन मैं इसको प्रूव करके रहूंगा कि वो हमारे हैं। चुबुकोव कहता है यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग नहीं तुम उसको प्रूव नहीं कर सकते मेरे प्यारे। फिर लोमोव कहता है आई शैल मैं करूंगा। फिर चुबुकोव कहता है डियर वर्ल्ड व्हाई यल लाइक दैट प्यारे तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई यलिंग चिल्लाकर तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव व्हाई शुड आई मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और लेकिन मैं अपना भी कुछ गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हूँ और मुझे करना भी क्यों चाहिए। एंड यू नो माई बिलव्ड दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई वुड मस्ट सूनर गिव अप द मेडोज टू द पेजेंट्स देन टू यू देयर। और कहता है और सुनो मेरे प्यारे अगर तुम ये पर्पसफुली ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारे ऐसे चलते रहे तो वो समय दूर नहीं है जब मैं वो मेडोज उठा के पेजेंट्स को ही दान दे दूंगा रादर देन यू तुम्हें देने की वजह। अब लोमोव कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी आपके पास ये हक कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी को दे देंगे। चुबुकोव कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट कहता तुम्हारी मर्जी तुम इसे क्या समझ रहे हो कि मुझे राइट है या नहीं है बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन और तुम्हें ये बता दूं क्योंकि मैं इस तरीके से कोई मेरे से ऊंची आवाज में बात करे स्टोन में बात करे वो कभी भी ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करता। आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट और तुम यंग मैन मैं तुम्हारी एज से डबल हूँ तुम्हारी एज से दुगनी एज है मेरी कितना बड़ा हूँ मैं तुमसे और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने आप को एजिटेट करने की जरूरत नहीं है अगर तुम उससे बात करना चाहते हो तो आराम से करो। लोमोव कहता नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन और कहता तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूँ और तुम चाहकर मुझे बेवकूफ बना लोगे। यू कॉल माई लैंड योर्स एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली तुम मेरी जमीन को अपनी जमीन बता रहे हो और फिर तुम ये चाहते हो कि मैं ये बातें बिल्कुल शांति से बहुत नम्रता से सुनूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट अच्छी नेबर्स ऐसा बिहेव नहीं करते स्टीफन स्टेपनोविच यू आर नॉट अ नेबर यू आर अ ग्रैबर तुम कोई पड़ोसी नहीं हो तुम तो जमीन हड़पने वाले हो। चुबुको व्हाट्स दैट व्हाट डिड यू से क्या 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 कहा तुमने। फिर नतालिया बीच में बोल पड़ती है पापा सेंड द मोर्स आउट ऑफ द मेडोज एट वंस आज के आज मोर्स को उस मेडो पर भेजो। What did you say, sir? चुबुको फिर लोमोव से पूछता है कि क्या कहा श्रीमान आपने? Then Natalia said, oxen meadows are ours and shan't give them up. Shan't give them up. वो oxen meadows हमारे हैं, हम उन्हें कभी भी give up नहीं करेंगे. अब लोमोव कहता, we will see. चलो देखेंगे. I will have the matter taken to court and then I will show you. कहते इसका मतलब मुझे ये जो मामला है कोर्ट में ले जाना पड़ेगा फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। To court? You can take it to court and all that you can. कहते कोर्ट में ले जाओगे? अच्छा ले जाओ ले जा सकते हो कोर्ट में जहाँ चाहो वहां ले जा सकते हो। I know you मैं तुम्हें जानता हूँ। You are just on the lookout for a chance to go to court. तुम तो बस एक चांस की वेट कर रहे थे कि तुम कब कोर्ट ले जाओ हम लोगों को। And all that, you pettifogger, तुम लोग pettifogger हो। Pettifogger क्या होता है?
वैसे बेसिकली उन एडवोकेट्स के लिए ये पेटीफोगर वर्ड यूज किया जाता है हु डील्स इन स्मॉल केसेस, या फिर अफवाह उड़ाने वाले। तो उसे कहता तुम पेटीफोगर ही हो, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, तुम्हारे सारे लोग ऐसे ही हैं, सब के सब, ऑल ऑफ देम, यानी सब लोग, इट मीन्स पूरे परिवार की, फैमिली की बात हो रही है। आप लोमोव कहता है नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। कहते हैं मेरे लोगों की बात ना ही करो तो अच्छा है, जो हम लोमोव्स हैं वो हमेशा से ही रिस्पेक्टेबल लोग रहे हैं सोसाइटी में, और तुम्हारे हम में से कभी भी किसी ने तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह कोशिश नहीं की कि प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर सके। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है फ्रॉड कॉम्पेंसेशन फॉर प्रॉपर्टी, जब हम झूठ बोलकर किसी की प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहते हैं, किसी के साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड करना चाहते हैं। तो चुबुकोव कहता है यू लोमोव्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू, और फिर चुबुकोव कहता है तुम सबके सब पागल हो, पूरा का पूरा परिवार। नताले उसकी हाँ में हाँ मिलाती है ऑल ऑल ऑल। देन चुबुकोव सेड योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर्ड एंड योर यंगर आंट नतासिया मिहालोवना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो। तुम्हारे ग्रैंडफादर एक शराबी हैं और जो तुम्हारी यंगर आंट जिनका नाम नतासा मिहाइलोवना है वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। अब यहाँ ये ऑल द छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इस बार जो सीबीएसई का बेटा आया है उसमें ये एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो यू शुड नो कि किसके बारे में क्या चीज कहा गया था, उसकी आंट का क्या नाम था। तो अब लोमोव उसका जवाब देता है एंड योर मदर वॉज हम बैक क्लचेज एट हिज हार्ट। अब लोमोव अपने दिल को पर फिर दोबारा से हाथ रखते हुए कहता है और तुम्हारी मदर नतालिया को कह रहा है वो हम बैक थी, मतलब वो कुबड़ी थी। समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वॉटर, कुछ मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, मेरा सर, मदद चाहिए मुझे पानी। वो कहता है योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, और तुम्हारा फादर क्या थे, गजलिंग गैम्बलर थे, मतलब खाने पीने वाले, दूसरों के पैसे पयाशी करने वाले एक गैम्बलर थे। एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट। नताले एड ऑन करती है तुम्हारी कई सौ बैकबाइटर्स एक तरफ और तुम्हारी आंट एक तरफ, वो इतनी चुगलखोर थी। फिर चुबुकोव कहता है माय लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंटरव्यूअर ओ माय हार्ट एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्रीथ आई कैन सी स्टार्स वेयर्स माय हैट। आप चुबुकोव कहता है कि मेरा पैर जो है वो सो गया, नम हो गया है, और तुम एक इंटरव्यूअर मतलब षड्यंत्रकारी हो, हाय मेरा दिल, और ये एक ओपन सीक्रेट है, यानी कि सब लोग जानते हैं इस बात को कि पिछले इलेक्शन में यू ब्रीथ। अब आई कैन सी स्टार मीन्स अब वो अपने लाइन को सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाया और कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हैट कहाँ है। नतालिया का इट्स लो इट इज ऑन इट इट्स मीन कि बहुत चीप हो, बड़ी बेईमानी की बातें करते हो, बड़ी मीन बातें कर रहे हो, छोटी बात कर रहे हो तुम। चुबुकोव सेड एंड यू आर जस्ट अ मलिशियस डबल फेस इंटरव्यूअर। यस, और चुबुकोव उसको कहता है कि तुम मलिशियस मीन्स इविल फीलिंग, इल फीलिंग्स रखने वाले हो दूसरों के लिए अपने मन में, तुम दोगले हो, तुम षड्यंत्रकारी हो। हाँ, हियर्स माय हेड माय हार्ट विच वे वे इज द डोर ओ आई थिंक आई एम डाइंग माय फुट्स क्वाइट नम। और फिर लोमोव कहता है यहाँ यहाँ है मेरी हेड, मेरा दिल है, किस तरफ मैं जाऊँ, रास्ता किधर है, दरवाजा कहाँ है, और मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा जो पैर है वो क्वाइट नम यानी सुन हो चुका है। गोज टू द डोर, और ये कहते कहते वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। चुबुकोव उसके पीछे पीछे जाता है फॉलोइंग हिम एंड डोंट सेट फुट इन माय हाउस अगेन, और आज के बाद दोबारा मेरे घर में पैर मत रखना। नतालिया कहती है टेक इट टू कोर्ट विल सी, हाँ हाँ जाओ और इसको कोर्ट में ले जाओ, हम देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। अब लोमोव स्टैगर्स आउट, लोमोव जो है लड़खड़ाता हुआ बाहर की तरफ चल दिया। स्टैगर्स आउट मीन्स अनस्टडी मूवमेंट्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। चुबुकोव कहता है डेविल टेक हिम, हे भगवान बस जाओ, कितना खराब है ये। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और बड़ा एक्साइटमेंट में वो चलकर आता है। नतालिया कहती है व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वन्स नेबर्स आफ्टर दैट। कहती है कितना बदमाश है वो, ये सब सुनने के बाद देखने के बाद कोई कैसे अपने नेबर्स में भरोसा कर सकता है। द विलन द स्केयरक्रो, अब उसको कहा जा रहा है कि वो एक विलन है और एक स्केयरक्रो है। स्केयरक्रो होता है वो जो स्टैचूज होते हैं फील्ड्स में लगाए जाते हैं अपनी क्रॉप को बचाने के लिए बर्ड्स वगैरह से। नतालिया कहती है मॉन्स्टर राक्षस, फर्स्ट ही टेक्स अवर लैंड एंड देन ही हैज द इम्प्यूडेंस टू अब्यूज अस, कि देखो पहले तो हमारी जमीन को अपना बता रहा है और फिर हमें ही डिसरिस्पेक्टफुल होकर हमारे यहाँ अब्यूज कर रहा है।
and that blind hen, yes, that turnip ghost, had the confounded cheek to make a proposal, and so on. What a proposal! और फिर अब अभी तक proposal की बात नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि proposal है. अब वो proposal की बात कौन बता रहा है? नतालिया के फादर कहते हैं कि देखो किस तरीके से वो अंधी मुर्गी और एक टर्निप घोस्ट, मीन्स अब उसके अपेरेंस के लिए बोला जा रहा है कि वो मतलब वो उसका फिजिक ठीक नहीं है, अजीब सी शक्ल है, अनअट्रैक्टिव है, और कन्फाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल. कहता है कि किस तरीके से इसकी कन्फाउंडेड चीक होते हैं, मतलब वैसे कन्फाउंडेड मीन्स होता है जब आप गुस्से में होते हो, अनॉयड होते हो किसी चीज से, और जब उन चीजों को किसी न्यूसेंस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज के लिए इसको कहा गया कि देखो कितना भद्दा दिखने वाला वो अंधे मुर्गे की तरह जो दिखता है वो एक प्रपोजल लेकर आया था. देखो क्या प्रपोजल. अब नतालिया उसको सरप्राइज होके पूछती है, व्हाट प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज यू. कहता क्यों तुम्हें नहीं पता, वो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था. टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिड यू टेल मी सो बिफोर. तो कहती है कि ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुझे प्रपोज करने आया. So he dresses up in evening clothes, the stuffed sausage, the wizened face from. तो कहते क्यों तुम्हें नहीं पता चला क्यों वो इतना dress up होके coat short पहनकर आया हुआ था. और stuffed sausage, sausage होता है, it's an edible thing जिसके अंदर stuffage करके जैसे hamburgers होते हैं या hot dogs होते हैं उनकी तरह होता है. और stuffed sausage कहने का वहां मतलब है क्योंकि वो उसको उसकी physique को fatty कहा जा रहा है. और wizened face from कहा जा रहा है कि wrinkled, wizened means wrinkled, और फ्रॉम मीन्स अनअट्रैक्टिव. वो रिंकल फेस वाला मोटा तगड़ा आदमी, अनअट्रैक्टिव अगली दिखने वाला लड़का तुम्हारे लिए प्रपोजल लेकर आया था. अब ये सुन के नतालिया सरप्राइज होती है, उसे दुख होता है. टू प्रपोज टू मी, आह, फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड वेल्स. वो एक इजी चेयर में एकदम धम से करके बैठ जाती है और रोने लग जाती है, चिल्लाती है ब्रिंग हिम बैक बैक, आह ब्रिंग हिम हियर, वापिस बुलाओ उसको यहाँ पर. अब चुप को पूछता है bring whom here, किसको यहाँ बुलाऊं. नतालिया quick I am ill, fetch him. और वो कहती है जल्दी जल्दी बुलाओ, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं बीमार हो रही हूँ, hysterics, hysterics means madness में crazy होकर चिल्लाना कि बस जोर जल्दी जल्दी उसको बुला लाओ वापिस. चुप को कहता है what's that, what's the matter with you, clutches at his head. और फिर उससे कहता है क्या हुआ, क्या है ये. अपने सर को पकड़ के बैठ जाता और कहता है oh unhappy man I am, कितना दुखी आदमी हूं मैं. I will shoot myself, मैं अपने आप को शूट कर लूंगा. I will hang myself, अपने आप को लटका लूंगा रस्सी से. We have done for her, क्या क्या करूं मैं इसके लिए, क्या क्या कर चुका हूं मैं. नतालिया फिर चिल्लाती है रोती हुई, कहती है I am dying, fetch him, मैं मर रही हूँ, उसको बुलाओ. चुपो एट वॉज डोंट यार, वो कहते हैं चल रुको, चिल्लाओ मत. बाहर की तरफ भागता है, फिर एक पॉज आता है. Then Natalia said, Natalia अब रो रही है, चिल्ला रही है, why have they done to me, what have they done to me, उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया. Fetch him back, fetch him, वापस बुलाओ उसको. फिर एक पॉज आता है, चुबुको वापस अंदर एंट्री करता है. He is coming and so on, वो आ रहा है. Devil take him off, talk to him yourself, I don't want to, कहता है no वो आ रहा है और तुम ही उससे बात करना, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता. अभी off to for ये सब you know जब वो दुखी होकर शब्द में slangs हैं जो हम use words use करते हैं. नतालिया रोते हुए कहती है बुलाओ उसको. पिचबू को कहता है यस ही इज कमिंग, चिल्लाते हैं आई टेल यू मैंने तुम्हें बताया वो आ रहा है. ओ व्हाट अ बर्डन लॉट टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, ये तो एक बोझ है ग्रोन अप लड़की का फादर होना. आई विल कट माय थ्रॉट, मैं अपना गला काट लूंगा. आई विल इंडीड, मुझे बिल्कुल काट लेना चाहिए. बिकॉज्ड हिम अब्यूज्ड हिम ड्रोव हिम आउट एंड इट्स ऑल यू, हमने उसको अपशब्द कहे, उसको गालियां दी, उसको भगा दिया यहाँ से, और ये सब तुमने किया तुमने. फिर नतालिया कहती है नो इट वॉज यू, आप दोनों वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं उसको भगाने के पीछे. आप नतालिया कहती है उसके फादर रिस्पॉन्सिबल है. उसके फादर कहते हैं कि नतालिया रिस्पॉन्सिबल है. आई टेल यू इट्स नॉट माई फॉल्ट, लोमो अपीयर्स एट द डोर, नाउ यू टॉक टू हिम योरसेल्फ. अब चुबुकोव कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है. इतने में लोमोव दरवाजे पर आ जाता है और चुबुकोव कहता है कि अब तुम इससे खुद ही बात कर लो, और ये कह के वहां से एग्जिट कर देता है. अब लोमो अंदर घर आता है, एग्जॉस्टेड है, थका हुआ सा लग रहा है, परेशान लग रहा है. माय हार्ट्स पाल्पिटेटिंग ऑफुली, बड़े ही अजीब तरीके से मेरा दिल धड़क रहा है. माय फुट्स गॉन टू स्लीप, मेरा पैर सो गया है.
देयर समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई सॉल, कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर खींच रही है। अब नतालिया कहती है, फॉरगिव अस इवान वैसलेविच, वी वर ऑल एट लिटिल हीटेड। अब नतालिया कहती है कि इवान वैसलेविच हमें माफ कर दो, थोड़ी सी बस गर्मा गर्मी हो गई थी बातचीत में। आई रिमेम्बर नाउ ऑक्सफर्ड मेडोज रियली आर योर। अच्छा अब मुझे याद आया तुम ऑक्सफर्ड मेडोज की बात कर रहे थे, हाँ हाँ सच वो तुम्हारे हैं। अब यहाँ एकदम से उसने चेंज कर दिया सीन, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड थी लोमोव के साथ शादी करने में। माय हार्ट्स बीटिंग ऑफुली, मेरा दिल बुरी तरीके से अजीब सी तरीके से धड़क रहा है। माय मेडोज माय आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग, मेरे मेडोज हैं और मेरी जो आईब्रोज हैं वो दोनों थोड़ी सी टेढ़ी हो रही हैं। मेडोज आर योर्स, यस योर्स, डू सिट डाउन, दिस सिट वी वर रॉन्ग। और नतालिया कहती है हाँ हाँ वो मेडोज आपके हैं, हाँ हाँ आपके ही हैं, बैठ जाओ, बैठो बैठो। और वो दोनों बैठते हैं और नतालिया कहती है हाँ हम ही गलती पर थे, हम गलत बोल रहे थे। लोमोव आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, माय लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी बट द प्रिंसिपल। वो कहता है कि हाँ मैं तो प्रिंसिपल की ही बात कर रहा था, जो सिद्धांत जो सच्चाई थी मैं तो वही बता रहा था, हालांकि उस लैंड की ज्यादा कीमत नहीं है मेरे लिए। फिर नतालिया कहती है यस द प्रिंसिपल जस्ट सो, नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। और फिर नतालिया कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सच्चाई है यही, चलो अब कुछ और बात करते हैं। हालांकि शी वॉन्ट टू चेंज द टॉपिक, लेकिन लेट्स सी लोमोव मानता है या नहीं। The more so as I have evidence, my aunt's grandmother gave the land to your father's grandfather's peasants. और वो कहते हैं जहां तक एविडेंस की बात है मेरे पास सारे सबूत है कि मेरे aunt के grandmother मदर ने वो जो लैंड थी वो आपके फादर के grandfather के peasants को दे दी थी। फिर उसकी बात को नतालिया बीच में काट देती है, yes yes let that pass, हाँ हाँ चलो चलो बात को छोड़ो। अब असाइड मीन्स वही अंदर अंदर सोच रही है, I wish I knew how to get him started, काश मुझे पता होता कि इससे मैं कैसे उगलवाऊं, कैसे इसे शुरू करवाऊं प्रपोजल की बात। और अब जोर से कहती है अलाउड, आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग, क्या तुम शूटिंग यानी हंटिंग पर जाने वाले हो जल्दी। आज का चैप्टर यहीं तक, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस, कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।